हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की एडमिशंस ऑलरेडी ओपन है। कुछ कोर्सेज में फॉर्म्स भी ओपन है। अभी कुछ कोर्सेज में, अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज में फॉर्म्स बंद हो चुके हैं। काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। हर एक अपडेट आप लोगों को हमारे इस चैनल पर मिल रहा है। सो गाइज, दिस वीडियो इज इन कोलेबोरेशन विद oneform.org। oneform.org एक एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म है, कंपनी है, जो स्टूडेंट्स को काउंसलिंग प्रोवाइड करवाती है। व्हाट्सएप नंबर इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। पेड मेंबरशिप इनकी लेकर के। सो गाइज, आगे आज की इस वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि PUCET UG 2024 की मेरिट लिस्ट आ चुकी है। और अभी जो है वो आप लोगों को क्या करना है, आज 5 जुलाई है। सो 5 जुलाई आज आप लोगों को मेरिट लिस्ट जो है वो मिल गई है। मेरिट लिस्ट कहाँ पे है? सो मेरिट लिस्ट आप लोगों की इसी होम पेज पर, इसी वेबसाइट के होम पेज पर है। सो आप लोगों को जो है वो अपनी जो लॉगिन आईडी है वहां पर लॉगिन करके भी आप देख सकते हैं। और ये मेरिट लिस्ट है, ये मेरिट लिस्ट अभी फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, टेंटेटिव मेरिट लिस्ट है। अगर किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन हो इस मेरिट लिस्ट में, उसको लगता है उसके एंट्रेंस के मार्क्स कम कैलकुलेट किए या कुछ और, तो 6 से 8 तारीख के बीच में CETUG@PU.AC.IN ये इनकी ईमेल है, इस पर कर सकते हैं 6/8/2024 से पहले पहले। अब गाइस ये देखिए, ये आप लोगों के अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो है वो मेरिट बन रही है कि क्या क्या मेरिट आप लोगों की बन रही है अलग अलग में। सो यहाँ पर हम जनरल की बी फार्मा की सबसे ज्यादा जाती है। सो यहाँ पर आप देखिए कि बी फार्मा की कितनी ज्यादा आप लोगों की मेरिट है। सीईटी परसेंटाइल 75 में से 74.623 जो है वो बी फार्मा के लिए है, तो उसने बी फार्मा के लिए अप्लाई करना है। सो गाइस, ये अभी आप लोगों की टेंटेटिव मेरिट लिस्ट है, अभी आप लोगों की प्रेफरेंस नहीं भरी गई है। आप लोगों ने अभी अपने कोर्स की प्रेफरेंस भरनी है, उसके बाद आएगी आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जिसमें आपकी कैटेगरी वाइज जो आपकी प्रेफरेंस है उसमें आपको कौन सा कोर्स मिल सकता है वो बताया हुआ होगा। वो कब आएगी? सो गाइस, आपने अभी क्या करना है पहले ये सुनिए ध्यान से। 6 जुलाई को लेकर के कल और परसों और उसके बाद 8 तारीख तक यहां पर आपने लॉगिन पर क्लिक करना है, लॉगिन पर जाना है, लॉगिन पर जाकर के अपनी आईडी पर लॉगिन करना है। और उसमें फीलिंग ऑफ प्रेफरेंस आप लोगों के पास ऑप्शन आएगा, वो प्रेफरेंस आप लोगों ने भरनी है। और उसके बाद आप लोगों को जो है वो अगली मेरिट लिस्ट का वेट करना है। अगली मेरिट लिस्ट कब आएगी? सो अगली मेरिट लिस्ट, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑन वेबसाइट जुलाई 12, 2024। सो 12 जुलाई 2024 जो है वो आप लोगों की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, जिसमें लगभग सभी को पता चल जाएगा उनको सीट मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली। रिलीज्ड ऑफ सीट एलोकेशन लिस्ट फर्स्ट ऑनलाइन काउंसलिंग 2024 की 12 जुलाई इवनिंग में आने वाली है। सो फर्स्ट ऑनलाइन काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और इस साल लास्ट ईयर जो है वो फिजिकल काउंसलिंग होती थी, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना होता था, बट दिस ईयर यू डोंट नीड टू कम टू पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, बिकॉज दिस ईयर काउंसलिंग प्रोसेस इज ऑनलाइन लाइक अदर डिपार्टमेंट्स। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के कुछ ही डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो फिजिकल काउंसलिंग करवाते थे, UBS, UILS और UICET, UIIT, बस कुछ चुनिंदा डिपार्टमेंट्स ही हैं, आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। बट इस साल ये साइंसेज के सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो ऑनलाइन काउंसलिंग करवा रहे हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको क्या होगा? सो यहां पर आप लोगों को जो है डेट्स ऑफ रिपोर्टिंग इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट बाय द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ सीट एलोकेशन लिस्ट फर्स्ट ऑनलाइन काउंसलिंग। अभी इन्होंने डेट ऑफ रिपोर्टिंग दे रखा है, बट मे बी ये डेट ऑफ रिपोर्टिंग इन्होंने गलत दे रखा है, बिकॉज आप लोगों को अगर ऑनलाइन काउंसलिंग दे रखा है इन्होंने, सो यू डोंट हैव टू कम टू द कॉलेज यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। सो आप लोगों को 15 से 18 जुलाई के बीच में जो है वो डिपार्टमेंट आने के लिए बोल रखा है। अब 15 से 18 जुलाई में आप लोगों ने करना क्या है, जो मैं आप लोगों को बता सकता हूं वो ये है कि 12 जुलाई को आपकी सीट एलोकेशन की लिस्ट आएगी, उसमें फिर आप लोगों को उसी सीट एलोकेशन की लिस्ट में जो मेरिट लिस्ट होगी उसी मेरिट लिस्ट में आपको बोला होगा कि ये फी पेमेंट करिए। वो फी पेमेंट करने के बाद, फी पेमेंट कहाँ करनी है वो मैं आपको उसी दिन बता दूंगा वीडियो बना करके। वो फी पेमेंट करने के बाद
आप लोगों ने 15 से 18 जुलाई को जाकर के डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना है इस बीच में। अब 15 से 18 जुलाई को करना क्या है आपने, 15 से 18 जुलाई को सबसे पहले तो आप लोगों ने फी रिसिप्ट जमा करवानी है डिपार्टमेंट को, ईमेल भी दी हुई होगी आपने और जो फिजिकली भी जाकर के आप दे सकते हैं डिपार्टमेंट में। उसके अलावा आपको हॉस्टल का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म भरना है। डिपार्टमेंट आपको एक आपका आईडी, जो रो नंबर टाइप आपकी आईडी होती है वो जनरेट करके देगा, वो आप लोगों ने भरनी है। हॉस्टल का फॉर्म भरना है और वो फॉर्म भर के पीडीएफ निकलवा करके डिपार्टमेंट में जमा करवानी है। उसके बाद आप लोगों का हॉस्टल के लिए अप्लाई हो जाएगा 15 से 18 के बीच में ही। वो एचएमएस पोर्टल पर देखना पड़ेगा कि एचएमएस पोर्टल कब ओपन करते हैं, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर एचएमएस पोर्टल पर ना हॉस्टल के फॉर्म लें तो डिपार्टमेंट आपको फिजिकली फॉर्म भरने के लिए बोल देगा, ठीक है। सो 19 जुलाई से आप लोगों की टीचिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप लोगों की सेकेंड लिस्ट आएगी। अब सेकेंड लिस्ट किन की आएगी, जिन्हें फर्स्ट लिस्ट में सीट एलोकेट नहीं हुई है या फिर उसने अपग्रेड के लिए विलिंगनेस भरी है, उसकी आएगी, ठीक है। सो उसके बाद आपको 24 और 25 जुलाई को जो है वो सेकंड ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए करना है, और फिर आती है फिजिकल काउंसलिंग। फिजिकल काउंसलिंग में आपकी 6/8/2024 की डेट है, यानी कि जो सीटें खाली रह जाएंगी वो 6 से 8 अगस्त 2024 के बीच में जो है वो आप लोग भर सकते हैं, वो आप लोग जा सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। सो गाइज ये अपडेट है, अभी आप इस मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक कीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं वो आप कमेंट भी कर सकते हैं। oneform.org का व्हाट्सएप नंबर आपको पिन कमेंट में दिया हुआ है, उस पर भी जाकर के पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम हैंडल और आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल तो है ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन अनदर वीडियो, तब तक लाइक कर दीजिए।